you all. So today I'm going to show you my summer holiday night routine, and it's currently 4:30 PM in the evening. And अभी से मैं अपना आज का vlog start कर रही हूँ. And I'm also gonna include थोड़ा evening का things. So 5 o'clock मेरी martial arts class है, which is judo. And this is the small bag which I carry to my martial arts class. So let's pack it first. So I just need to carry 3 things. ये मेरा डब्बा का Nokia phone. Actually तब use आता है when I'm coming back from judo class. सब मैं अकेले आती हूँ because pass में ये judo class. That's why मुझे मम्मा को call करना होता है कि हाँ मम्मा अभी class खत्म हो गया and I'm coming home. और judo class जाके भी पहुँचने के बाद that time also I have to call हाँ मम्मा I've reached, ताकि मम्मा को टेंशन ना रहे ना. So this is going to go in my small pocket. फिर इतने लंबे session के बाद बहुत पसीना आता है ना, इसीलिए छोटा सा napkin. And the third thing is my water bottle. और आप सबको भी बहुत सारा water हर रोज पीना चाहिए because it's really hot during summer, so we get dehydrated very easily. Set pair. I just came back from judo and it's currently 6:30. I am super tired and May in Mumbai is very very bad, so hot. So every day after coming from judo na, we take a bath. So this is my dress which I'm going to wear today, and I make sure to wear a very comfy and light leggings or dress, anything, because the night should be comfortable. That's all. समर में ना मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग दिस एलोवेरा जेल नाउ. सो यहाँ पे आ गया है मेरा डिलीशियस मैंगो शेक, क्योंकि जूड़ो से आकर ना बहुत ज्यादा भूख लगती है. और देखो बाहर थोड़ी थोड़ी इवनिंग होने लग गई, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है. सच अ ब्यूटीफुल व्यू ना, अलग अलग हाउसेस में लाइट्स चल रही है अलग अलग कलर्स की, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है. बट इट्स सुपर हॉट और मेरे बाल इतने स्वेटी हो गए थे ना, इसलिए मैंने उनको ओपन कर लिया है. अरे एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गई, वी हैव गॉट अ वेरी ब्यूटिफुल पिंक फ्लावर प्लांट जो की एकदम न्यू है, उसमें थोड़ा थोड़ा ग्रो भी होना स्टार्ट हुआ है. आओ आओ देखो एकदम ब्यूटिफुल है. मैं जर्नली इस टाइम फ्री होती हूँ तो मैं अपना हॉलीडे होमवर्क जितना भी होता है थोड़ा सा फिनिश कर लेती हूँ. टुडे आई एम गोइंग टू डू मैथ्स. Because I just love plants, but इनकी केयर भी करनी पड़ती है फॉर सम टाइम एवरी डे. आई नीड टू कीप देम आउटसाइड
कुछ देर के लिए एंड देन टेक देम इनसाइड अगेन। नीचे ये प्लेट्स लगाई हुई है बिकॉज जब हम वाटर करते हैं प्लांट्स को, ताकि पूरा जो वाटर है जो निकला हुआ है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, वो पूरे स्टडी टेबल क्लॉथ पे ना आ जाए, दैट इज व्हाई। सो पूरी मेहनत भी है। अरे दृश्या आ गई, चल दृश्या अभी फुटबॉल खेलते हैं, मजा आएगी। एक्चुअली आई जस्ट हैड माई डिनर, एकदम बेसिक सिंपल इंडियन लंच था, डिनर था, आई मीन सॉरी, चपाती सब्जी एंड दाल, एंड हर रोज है फिक्स्ड हाफ एन आवर। रात को मैं एक बुक रीड करती हूँ एंड टुडे आई एम रीडिंग द 3 इन्वेस्टिगेटर्स मिस्ट्रीज द वॉन्डरिंग केव मैन। एंड एक्चुअली व्यू इज सुपर गुड नाउ, जस्ट हैव लुक एट इट, बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इसीलिए हमें स्कूल का बैग रेडी नहीं करना है, बट मॉर्निंग में स्विमिंग क्लास होती है ना, उसका बैग रेडी करना है। सो आई कैरी दिस बैग, लव डांस, एंड दिस इज माय फुल स्विमिंग कॉस्ट्यूम। फुल है क्योंकि ज्यादा टैनिंग ना हो, ओनली फेस पे थोड़ा सा, देखो मेरा हुआ है टैनिंग। दिस इज माय कॉस्ट्यूम। मतलब व्हेन वी डिप आवर हेड इन द वॉटर एकदम क्लियर दिखता है पूरा सब चीज। नेक्स्ट वन इज द कैप, आई हैव दिस पर्पल कलर कैप एंड दिस बिग साइज बिकॉज मेरे बाल लंबे है ना, तो जब मैं इसे टाई करती हूँ तो इसलिए बिग कैप चाहिए होती है, वरना सारे बाल आते रहेंगे। Last but not the least is towel. So मैं swimming costume तो घर से पहन के जाती हूँ, बाकी सब caps, goggles वो सब swimming pool पे जाके ही पहनती हूँ मैं। और अब चलो नीचे चलते हैं, हम हर रोज डिनर करके walk करने जाते ही जाते हैं।